देखिए, मैं साफ तौर से कहती हूँ, 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी का बंटाधार कर दिया। अब ये जो 8 साल के अपने काम पे वोट मांग रही हैं आतिशी जी, चलिए आतिशी जी, अभी आपने बता दिया कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर आपके घर के बाहर कूड़ा है, किसी ने फेंक दिया, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक दें। ठीक है, आप नहीं लेना चाहते वो जिम्मेदारी। मुझे ये बता दीजिए, 4 दिन आज हो गए हैं, पूरे वसंत कुंज में एक बूंद पानी नहीं है। पानी तो दिल्ली जल बोर्ड का है, जिम्मेदारी भी आपकी है। 4 दिन से वहां पे इतनी बुरी हालत है कि लोगों को जो एमसीडी पार्क के लिए पानी होता है वो इकट्ठा करना पड़ रहा है। कपड़े जिस पानी से धोते हैं उसी को फिर पोचे के लिए, नहाने के लिए उसी को साफ कर कर करके इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपके जो एमएलए हैं उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया है। अब बताइए, ये किसकी जिम्मेदारी है कि आप आम जनता को, और वसंत कुंज में, वसंत कुंज बहुत बड़ा है, कई लाखों लोग वहां रहते हैं, आम जनता को आप पानी के लिए तरसा रहे। और आप कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है हेल्थ सर्विसेज, बिल्कुल आपकी है। तो कोरोना काल में मैडम आपने क्यों लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसा दिया था? सड़क पे लोग तड़पते हुए मर रहे थे। कितने आपने नए जो वादे किए थे, कभी कुछ कभी कुछ। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो अच्छा काम क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट का, सिर्फ अपने आप को ये दिखाने का, हमने ये कर दिया वो कर दिया। पढ़ाई और आपकी शिक्षा नीति की बात करें तो जब शिक्षा नीति आपके मंत्री जी को बनानी थी तो वो क्या कर रहे थे? शराब माफिया के साथ मिलके नोट छाप रहे थे। वो नोट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? गुजरात के चुनाव में, हिमाचल, जहाँ पे जीरो मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें आपने तब भी करी थी कि यहाँ पे जो हरियाणा में आदमपुर सीट पर चुनाव हुआ था, ठीक है। तो जी देखिए, खाली सबकी साथ खाली है टेबले, हम जीत रहे, जमानत जब्त हो गई। पानी की किल्लत का मुद्दा इन्होंने उठाया और प्रचार पर पैसा बहाने का आरोप लगाया। आतिशी, देखिए, अगर वसंत कुंज में पानी नहीं आ रहा है, पानी भेजना हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे ठीक करेंगे। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रही हूँ, क्योंकि बिजली, पानी, अस्पताल, डीटीसी बस, नहाने के लिए, डीटीसी बस हमारी जिम्मेदारी है, ठीक करेंगे। राधिका जी, राधिका जी, अगर राधिका जी, मैं कह रही हूँ हमारी जिम्मेदारी है, हम ठीक करेंगे। मैं वसंत कुंज के लोगों से, मैं जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम ठीक करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। विधायकों को वसंत कुंज में बना दिया था, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से टैंकर भर के लेकर जाते, ये बोलेंगे काम करेंगे। 4 दिन दिल्ली की जनता को इस समय पे राधिका जी तरसा रखा है, बूंद बूंद के लिए ना साधे साथ देते हैं, ऑक्सीजन छीन लेते हैं, कोरोना काल में आज सांस नहीं लेने दे रहे। राधिका जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, राधिका जी सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, राधिका जी सुन तो लीजिए, दिल्ली की जनता की, सुन तो लीजिए, राधिका जी, राधिका जी कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं। 4 दिन बिना पानी के वसंत कुंज इलाके में कांग्रेस का सीधा, मैं आपको, मैं बता रही हूँ इसके, मैं देखिए, मैं राधिका जी इसमें सुन लीजिए, आपने जिम्मेदारी है कि नहीं, आपने, मैं, आपने, अरे सुन तो लीजिए, राधिका जी सुन तो लीजिए, राधिका जी सुन तो लीजिए, राधिका जी राधिका जी सुन तो लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री और ये बात करते दिल्ली का स्वास्थ्य ठीक करने की, बेल नहीं हो रही है मैडम, सुन तो लीजिए राधिका जी, चलो राधिका सुन लेते हैं, आतिशी जवाब दीजिए, आतिशी जवाब दीजिए, मूलभूत समस्याएं लेकर आई है वो, आपने मूलभूत समस्याएं उठाई। नहीं नहीं, बिल्कुल, राधिका जी ने कहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राधिका जी ने कहा है कि इस वसंत कुंज में पानी की जिम्मेदारी है, मैं मान रही हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है। इन्होंने हमें एक बहुत सीरियस समस्या हाईलाइट करी है, ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है, और मैं दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी जिम्मेदारी ले रही हूँ इस मसले पर, क्योंकि पानी की समस्या को सुलझाना हमारा काम, लेकिन प्रदूषण में भी गलती हो गई, हम जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, अगर किसी एक इलाके में अगले 1-2 दिन की समस्या है हम ठीक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 15 साल से एनसीडी में बीजेपी की सरकार है, 15 साल से, बताइए क्या क्या बीजेपी ये कहने को तैयार है कि हमने साफ सफाई की है तो हमें वोट दीजिए, हमने साफ सफाई नहीं की है तो हमें वोट मत दीजिए। हमने तो कहा था, हम तो 2020 में जब चुनाव लड़ने गए थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैंने काम किया है 5 साल में तो मुझे वोट दो, वरना मुझे वोट मत दो।